जंग कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मेरी जंग कोई बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है। मेरा संघर्ष सिर्फ इस देश की आत्मा को बनाए रखने को लेकर है, और मेरा संघर्ष सिर्फ इस मीडिया के वजूद को बनाए रखने का है। और यह लड़ाई दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हार चुका हूं। कम से कम मीडिया अपने आत्मसम्मान को बचाए रखे, इसको लेकर तो मैं ये लड़ाई हार चुका हूं। क्योंकि आज सत्ता में बैठा ताकतवर व्यक्ति उंगली उठाकर मीडिया को कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए। इसमें आप देखेंगे कि इंदौर में विधायक और मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र होनहार आकाश विजयवर्गीय किस तरह से एक व्यक्ति, एक सरकारी व्यक्ति को बैट से बुरी तरह से मार रहे हैं। देखा आपने, इसके बाद न्यूज 24 नाम के एक चैनल ने कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू में जब एंकर उनसे सवाल पूछ रहा था तो कैलाश विजयवर्गीय कहते, तुम हो कौन, जानते नहीं कि आकाश एक विधायक है, तुम्हारी औकात क्या है। आप पहले इसके कुछ अंश देखिए। आप जज हैं क्या? लेकिन तस्वीरें तो दिखा रही है कैलाश जी। आप जजमेंट कर रहे हैं क्या? जजमेंट बिल्कुल करेंगे। देखिए तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है। इस देश में कानून है, सिस्टम है, आप किसी पे बल्ला नहीं उठा सकते। आप ऐसे फैसला भी नहीं दे सकते। हु आर यू, क्या है आपकी हैसियत? देखिए आप फैसला करेंगे किसी विधायक के बारे में? मेरी हैसियत, औकात देखिए पहले, तुम्हारी औकात क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर गड़बड़ कई लेवल्स पे दिखाई देती है। सबसे पहले तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय मानते हैं कि विधायक का ओहदा जो है वो मीडिया से कहीं ऊपर है, और विधायक से मीडिया सवाल ही नहीं पूछ सकता, और अगर वो सवाल पूछे तो उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले तो विधायक ही नहीं, चीफ मिनिस्टर से भी, सांसद से भी, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे जाते थे। मगर अब क्या वजह है कि किसी छुड़भैये विधायक का पिता ये कहे कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुमने मेरे बेटे से सवाल पूछ लिया। तो कैलाश जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उस विधायक की क्या औकात है। अगर वो विधायक आपका बेटा नहीं होता तो इंदौर में सर्राफा बाजार में ठिलिया लगाए होता, ठीक है, तो कृपया औकात की बात ना करें। अब आते हैं बुनियादी मुद्दे। दोस्तों, आपको समझना होगा कि जब मुजफ्फरपुर में दर्जनों बच्चे मारे जाते हैं एक्यूट इंसेफलाइटिस से, और तब एक एंकर साहिबा अस्पताल में पहुंच के परेशान डॉक्टर को और परेशान करती हैं उससे अनाप शनाप सवाल करके, क्योंकि जब सामने प्रधानमंत्री बैठे हों, मुख्यमंत्री बैठे हों, तब इनकी घिग्गी बंद जाती है। मगर जब वो एक डॉक्टर जो पहले ही व्यवस्था से परेशान है, वो डॉक्टर जो कि कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ बच्चों को बचा सकूं, जब वो उनसे सवाल करती हैं और बहुत ही बेहयाई से, बेशर्मी से सवाल करती हैं, और यही नहीं, जब उनकी चारों ओर आलोचना होती है, तब जिसे कहते हैं कि रबिंग सॉल्ट ऑन द वूंड्स, अपनी गलती मानने की बजाय वो अपने इस कर्तव्य, अपने इस कृत्य को और सही ठहराती है। मीडिया की दिक्कत वहां से शुरू होती है। मीडिया की दिक्कत वहां से शुरू होती है दोस्तों, जब एंकर्स बैठ के कार्यक्रम के अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिसके जरिए दंगा भड़काया जाए। कासगंज के अंदर या बुलंदशहर के अंदर कुछ एंकर्स की कोशिश थी कि पूरे देश में दंगा हो जाए। ऐसे दोस्त पत्रकारों को दोस्तों किसी न्यूज चैनल में नहीं होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। मगर ये पत्रकार जो हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है खबर परोस रहे हैं। ये दंगेबाज जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिन्हें ये भी शर्म नहीं आती कि तुम जो कर रहे हो इसका असर समाज पर पड़ेगा, समाज में बसने वाले परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का परिवार है और तुम ये दंगेबाजी कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया किस हद तक भ्रष्ट हो चुका है। इस हद तक भ्रष्ट हो चुका है दोस्तों कि आज
वो सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं, बल्कि इस समाज में अराजकता फैलाने वाले गुटों का की सुपारी लेकर बैठा हुआ है। हमारा समाज उस हालत में आ गया है कि जब हिंदुस्तान टाइम्स के बॉबी घोष अपने अखबार में हेट ट्रैकर नाम का एक सीरीज चलाते हैं, जिसमें मकसद यह था कि समाज के अंदर जो नफरतें फैल रही हैं, उससे जुड़ी घटनाएं हैं, उस पर नजर रखने को लेकर एक कॉलम चलाया जाए, तो कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से उन्हें अपना जॉब छोड़ देना पड़ता है। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है कि जब मैं देख रहा था कि जब उस न्यूज एंकर के साथ कैलाश विजयवर्गीय बदतमीजी कर रहे थे, या फिर यह तस्वीर देखिए, आपने देखा किस तरह से इस वीडियो में एक पत्रकार को रेलवे के मुलाजिम बुरी तरह से पीट रहे हैं। जब ये दोनों तस्वीरें सामने आई थी तो नीचे कमेंट करने वाले लोग कह रहे थे कि मीडिया का यही हाल होना चाहिए। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं मानता हूं कि इस वक्त 99.9999% मुख्य धारा का मीडिया, खासकर न्यूज चैनल्स और हिंदी अखबार और अधिकतर जिसे कहते हैं अंग्रेजी अखबार, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं, मगर कुछ गिने चुने इक्का दुक्का पत्रकार हैं जो सवाल कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के बावजूद आप तालियां बजाते हैं जब उनकी पिटाई होती है या जब वो सवाल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत गलत है, बहुत गलत है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और उस भीड़ में कोई फर्क नहीं है। जो सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को या तो ट्रोल करते हैं या हिंसक तौर पर उन पर शारीरिक हमला करते हैं या उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, जैसे गौरी लंकेश। दोस्तों, जब सत्ता पे बैठा व्यक्ति यह पूछता है कि तुम्हारी औकात क्या है ना, तो यह समस्या बहुत गंभीर है। उसके लिए आपको कुछ और मुद्दों पर गौर करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारी बड़े बड़े संस्थाओं में जो पढ़ाई कराई जा रही है पत्रकारिता की, वो जो पत्रकार वहां से निकल रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। मैं आपको कुछ चीजें आज बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता का संस्थान है, और आप यहां देख रहे हैं कि ये लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं एसआर कल्लूरी के साथ। ये एसआर कल्लूरी बस्तर का फॉर्मर आईजी है। इसने मामूली बातों के लिए, यानी कि व्हाट्सएप पर चुटकुला डालने के लिए, पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। यह पत्रकारों को जलील करता है, गंदे गंदे नामों से उन्हें बुलाता है। अब नहीं है, अब कहीं और इनका ट्रांसफर हो गया है। यानी कि पत्रकारों को जलील करने का हर संभव काम यह शख्स करता है। और आप एक बार फिर यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखिए जो लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं एसआर कल्लूरी के साथ, जिस पर मानवाधिकार हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कई आरोप हैं। ये जो लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं ये भावी पत्रकार हैं, और इनमें से कई पत्रकार जो हैं इस वक्त काम भी कर रहे होंगे अलग अलग संस्थाओं में। ऐसे पत्रकारों पर मुझे शर्म आती है, तुम्हें खुद पे शर्मिंदा होना चाहिए। अगर मेरा बस होता ना तो मैं तुम्हारे कान उमेट के कहता कि जाओ वापस अपने घरों में और पकौड़ी की दुकान लगा लो, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी, माफ कीजिएगा, कोई औकात नहीं है। क्योंकि सत्ता पे बैठे लोगों से तो आप सवाल कर नहीं सकते। आजकल जितने नए पत्रकार आए हैं आप उनके फेसबुक पेजेस पर देखिए, वाकई भक्ति श्रृंखला चल रही है। सत्ता में बैठे महानुभवों की भक्ति चल रही है। तो यह हालत हो गई पत्रकारों की। अब मैं यह बताना चाहूंगा कि जो चाटुकार पत्रकार होता है, जब वो सवाल भी कभी कर लेता है ना गलती से, तो उसकी क्या हालत होती है। यहां पर देखिए, यह पत्रकार अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद अमित शाह उनका क्या हश्र करते हैं। अध्यक्ष जी, आप गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर में आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है। आप गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं लेकिन चर्चा बंगाल की है, जहां बहुत बवाल मचा हुआ है। आप गोरखपुर के बारे में बात करें इसीलिए बुलाया है। मैं गोरखपुर, अध्यक्ष जी, ए मायो, ये बंगाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा। अब ये दूसरे वीडियो पर आइए। यहां पर ये महोदय जो हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उनकी चाटुकारिता से अमित शाह भी नाराज हो गए।
अमित शाह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जी हिंदी खबर पर लाइव मौजूद हैं। अमित शाह जी हिंदी खबर बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार? हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री। अब की बार 300 पार? चलो भैया ऐसे नारे नहीं होते यार, क्या करें। सर गोरखपुर का माहौल क्या कहता है? अमित जी गोरखपुर का माहौल क्या कहता है? अमित जी अमित शाह जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से नारे जो हैं वो नहीं लगेंगे। ऐसे ही पत्रकार दोस्तों पकड़े जाते हैं अलग अलग स्टिंग ऑपरेशंस में, और इन स्टिंग ऑपरेशंस में ये लोग पैसा लेने को तैयार होते हैं। बदले में वो लोग न सिर्फ नफरत भरा एजेंडा चलाने को तैयार हैं, बल्कि नफरत भरा एजेंडा चलाने के साथ साथ विपक्ष को भी टारगेट करने को तैयार हैं। आप देखिए कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें वही पत्रकार दिखाई दे रहा है जो कुछ देर पहले आपने देखा था, जो अमित शाह की चाटुकारिता कर रहा है। बस 3 महीने तक हमारा जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व, अब पता नहीं वो सॉफ्ट है या नहीं, बट श्रीमद भागवत गीता लॉर्ड कृष्णा वही प्रीचिंग्स उनको लेकर के धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे भाई सब। और सेकंड जो है डिजिटल वर्टिकल में शायद वेब आपका वेब पोर्टल होगा सर, हमारे 29 मिलियन पर मंथ यूज हमारे डिजिटल सेटअप। हमारा वेबसाइट भी है, हम फेसबुक ट्विटर से लाइव करते हैं, हमारे लाइव करते हैं। अच्छा उसमें सिर्फ जो हमारा डिजिटल, तो उसमें डिजिटली वी आर ट्राइंग टू कुछ आर फाइव ब्रांड हिंदू लीडर्स लाइक श्री मोहन भागवत जी भाई साहब, उनकी जब भी वाणी हो वो देववाणी है हमारे लिए, तो उनका कभी भी प्रवास भाई साहब तो उनको ले लो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसका सोर्स मिल जाए। हाँ जी सब कुछ लाइव। आगे पुष्प बताते हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वे चाहते हैं कि आपके चैनल हिंदी खबर पर विपक्षी दलों के खिलाफ खबरें चलें, उनके खिलाफ पैकेज बने और उन्हें तरीके से चलाया जाए ताकि चुनाव में किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचे। अतुल अग्रवाल को इससे भी कोई परहेज नहीं हुआ। तो उसको कांग्रेस बसपा सपा इनकी टैक्टिक्स को भी कैसे बजा रही है, उसमें अगर लिटिगेशन में कुछ भी हो गया तो वी आर विद ऑल फोर्स सपोर्टिंग, वकीलों के साथ टीम पूरी खड़ी होगी, संगठन पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों हो क्या रहा है, टीवी चैनल्स ये समझते होंगे कि हमें टीआरपी मिलती है, मगर देखिए टीआरपी तो डॉली बिंद्रा को भी मिलती है, टीआरपी तो वो बाबा ओम कौन है उसको भी मिलती है, राखी सावंत को भी मिलती है, मगर सवाल ये कि क्या इन्हें दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके जैसी इज्जत नहीं मिलती ना। सच तो यह है कि आपने अपनी पत्रकारिता को इसी तरह से सांप छुछुंदर की पत्रकारिता बना दिया है। आपको लग रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं मगर इज्जत आपको मिल रही है, ऐसा नहीं। अगर आपको लोग पसंद करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बहुतायत है, वो शायद मेजॉरिटी में है और उसी के चलते आपके फैन बेसिस हैं। जिस दिन आपने सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर दिया ईमानदारी से, खत्म। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले 4 या 5 सालों में डिबेट किन मुद्दों पर होते हैं, हिंदू मुसलमान, ट्रिपल तलाक, वंदे मातरम, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन तमाम मुद्दों से समाज में सिवाय बंटवारा पैदा करने की कुछ नहीं होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग पर आप डिबेट तो करते हैं मगर दंगा भड़काने वाले शोज भी आप ही करते हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग कोई और नहीं बल्कि आप हैं। जो लोग कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी वो तो है ही टुकड़े टुकड़े गैंग, मगर असली टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो, तुम जो कि मुख्य धारा की मीडिया में बैठकर नफरत का प्रवचन करते हो, तुम जो कि सत्ता में बैठा व्यक्ति है उसका चाटुकार बन चुके हो, उसकी सुपारी लेके बैठे हो, और जब कभी गलती से तुम सवाल कर लेते हो तो तुम्हें पलट के वो बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है, ये तुम्हारी हकीकत है। दोस्तों न सिर्फ ये लोग सुपारी लेकर बैठे हैं बल्कि सबसे दुखद बात जो उभर कर आई है, जो मैंने नोटिस किया है, आपको याद होगा जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी मैं प्रेस क्लब गया था, मैं उस भीड़ में शामिल था जिसने मार्च किया था और मैंने
पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठाए थे और मैंने खुद कई ऐसे शोज किए हैं कि हमारे छोटे छोटे इलाकों में, कस्बों में काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मैंने बाकायदा शोज किए हैं दोस्तों। ऑपरेशन लाल जंगल आपको याद होगा जो मैंने किया था जब मैं एबीपी न्यूज में था, जिसके लिए मुझे रेडिंग अवार्ड मिला था, वो इसी तरह के छोटे छोटे पत्रकारों पर शो था। तो मैं बात कर रहा था गौरी लंकेश की। जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी और जब हम मैदान में आए थे तो मुझे याद है एक बहुत बड़ा तबका पत्रकारों का खामोश था। इन्होंने कुछ नहीं कहा जब गौरी लंकेश की हत्या हुई, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पीछे हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, लिहाजा वो ऐसा क्यों बोलेंगे जिससे उनके सो कॉल्ड फैन बेस पर असर पड़ेगा। जब प्रेस क्लब में एक समारोह हुआ गौरी लंकेश के सम्मान में और उस समारोह में कन्हैया मंच पर पहुंच गए, तब अचानक इनका मुंह खुल गया, तब ये लोग बोलने लगे, अनाप शनाप बातें करने लगे। यानी कि गौरी लंकेश के लिए जब हम मैदान में उतरे थे तब आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले, गौरी लंकेश के हत्यारों की तुमने आलोचना तक नहीं की, मगर जब वहां कन्हैया पहुंच गया तो उसको लेके तुमने बवाल कर दिया। और यही एक त्रासदी है। और मैं चाहूंगा दोस्तों, बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि कांग्रेस ने न्यूज चैनल्स का बॉयकॉट कर दिया है और इस बॉयकॉट को उन्होंने बढ़ा भी दिया। पहले एक महीने के लिए बॉयकॉट था, वो मुलतवी जो है बढ़ गया और आगे। और मैं चाहता हूं कि अन्य तमाम पार्टीज, मसलन समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे किया है, मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भी ऐसा करे और अन्य सभी पार्टी, टीएमसी भी ऐसा करे, इस तरह का बॉयकॉट करे। क्योंकि देखिए, आपकी आवाज वहां नहीं सुनी जाएगी। आप जब वहां जाते हैं तो आप उस विघटनकारी एजेंडे, उस नफरत भरे एजेंडे को और बढ़ावा देते हैं। आपके जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। टीवी पे दिखने का लालच बंद कीजिए। आप वहां जाकर, और विपक्षी दलों से फिर कहना चाहूंगा, आप वहां जाकर मूर्ख बनते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। लिहाजा इस बॉयकॉट को बनाए रखें। बहरहाल आप सबसे अपील कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।